हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में, चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। एग्जाम में डेफिनेटली हम दो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, और इस चैप्टर के लिए हम पहले सेक्शन 6 कवर कर चुके हैं और सेक्शन 5 को भी कवर कर चुके हैं, तो आज हम आपको उसी के बारे में और आगे बताएंगे। सर, सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 तो सेक्शन 5 आपको यह बताता था कि आपकी जो इनकम है और आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो जैसे कि बुक ने आपको यह दिया हुआ है कि अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो चाहे आप इंडियन इनकम अर्न करो चाहे आप फॉरेन इनकम अर्न करो, दोनों इनकम आपकी इंडिया में ही टैक्स होंगी। अच्छा, इसका हमने आपको एक चार्ट भी बना के दिखाया था, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, रुकिए। ये देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में आपको ये एक चार्ट बनवाया था, ये इसी सेक्शन 5 के लिए ही है। तो ये पहले डिस्कस कर रहा है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपकी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो वो भी टैक्स होगी, आपकी इनकम जो इंडिया में एक्रू होती है वो भी टैक्स होगी, और आपकी जो फॉरेन इनकम है वो भी टैक्स होगी। यानी आरओआर के लिए सभी तीनों तरीके की इनकम यहां पर टैक्स होंगी, ये बात हमें 5.1 में लिख के बताई, ठीक है। फिर उसका प्रोविजो कहता है कि अगर आप रेजिडेंट तो हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एनओआर कहते हैं, तो एनओआर के केस में दोनों इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी और फॉरेन की केवल एक ही इनकम टैक्सेबल होगी जो आपको बिजनेस से हुई हो, विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यानी अगर आपका स्टेटस एनओआर है तो एनओआर के केस में इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होंगी होंगी, लेकिन फॉरेन इनकम में सिर्फ वही इनकम टैक्स होंगी जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, और बिजनेस के लिए कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया देखा जाएगा, प्रोफेशन के लिए सेटअप इन इंडिया देखा जाएगा। तीसरा केस होता है कि जब पर्सन नॉन रेजिडेंट है, यह भी हमने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, ये दो कैटेगरी की इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। अब सर, इसमें हमें जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो हम पहले इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटा सा एक समराइज्ड पॉइंट बताना चाहता हूं। क्या ये देखो, पॉइंट नंबर 1, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं चाहे नॉट ऑर्डिनरी हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, और ये वाला पॉइंट भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। तो इन दोनों इनकम को हमने सिंप्लिसिटी के लिए कहा था इंडियन इनकम, ठीक है। और ये कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम में तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि इंडियन इनकम होगी तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, बहुत सिंपल है। फॉरेन इनकम के रिस्पेक्ट में रूल बहुत सिंपल है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपके लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट है आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। यानी एनओआर के रिस्पेक्ट में जो फॉरेन इनकम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो तो ही टैक्सेबल होती है, इसको छोड़ के कोई और इनकम हो तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। नाउ मैं ये आपके पास जो चार्ट मैंने आपको बताया, मैंने उसकी एक समरी बना दी कि सर अगर इनकम इंडियन है तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, अगर इनकम फॉरेन है तो फिर आरओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए नॉन टैक्सेबल है, और एनओआर के लिए ये तभी टैक्सेबल है अगर ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो वो जो रूल अभी आप देख रहे थे, जो चार्ट हमने आपको बना के दिया था, बुक ने भी आगे बनाया हुआ है, उसका समराइज वर्जन ये है, और इसके बेस पर आज हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है। सर, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें दो दिक्कत आएंगी। क्या दिक्कत आएगी सर? एक तो हम ये नहीं जानते व्हेन इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और व्हेन इनकम इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी इंडियन इनकम को पहचानने के लिए पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। चलिए हम दो बातों के ऊपर चलते हैं। सर, ठीक है, क्वेश्चन तो तभी कर पाएंगे जब पहले हम अच्छे से ये तो जान लें कि इनकम इंडियन कब है और इनकम फॉरेन कब है। तो फॉरेन में तो आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं, लेकिन इंडियन इनकम में आपको दो बातें हैं जो समझनी पड़ सकती हैं। पहला ये
कि कब कहा जाएगा इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7। हालांकि बेटे सेक्शन 7 का ज्यादा रिलेशन हमारे सैलरी चैप्टर के साथ होता है, हम सैलरी चैप्टर में आपको इसको बताएंगे और यहां भी बता देंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब इस चैप्टर के हम स्कोप ऑफ इनकम पे करेंगे तो सेक्शन 7 ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया या डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सेक्शन 9, ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी सेक्शन होता है। तो अभी हम फर्स्ट फेज में पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देंगे और मुझे लगता है उस ओवरव्यू से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। ज्यादातर ग्रेजुएशन के बच्चे ना वो यही चाहते हैं कि सर ये सेक्शन 9 की ज्यादा थ्योरी हमें मत पढ़ाओ, प्रैक्टिकल कर लेंगे काम हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए भी कर रहे हैं या जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम सेक्शन 9 भी डिस्कस कर देंगे। तो पहले आइए सेक्शन 7 क्या है, ये बहुत आसान है, दो मिनट पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। एक होता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब आपको इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इसमें समझाना क्या है। लेकिन लॉ ने ये लिखा है कि हम इनकम को डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो सेक्शन 7 में तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसे गवर्नमेंट कहती है कि हम इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। सर आपने अभी कहा था कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हां सुन लीजिए लेकिन आसान ही है। पहला, तो उन तीन इनकम में से पहली इनकम है एनुअल एक्रीशन, मतलब एनुअल जो आपका इंक्रीमेंट होगा इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ। तो गूगल करना पड़ेगा आपको सर ये प्रोविडेंट फंड क्या है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है। अब बेटे ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि एम्प्लॉई के ओल्ड एज के लिए आपको एक सेविंग करवानी है, एक सेविंग स्कीम चलानी है जिसे हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट कहती है जबरदस्ती इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई के पैसे जमा होंगे, कौन जमा करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है जो एम्प्लॉयर है, मालिक जो है, वो अपने एम्प्लॉई की जब तनख्वाह बांटेगा तो उस सैलरी में से कुछ अमाउंट कम करके उसको देगा। मान लीजिए एम्प्लॉई की सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो उसे पूरी 50,000 सैलरी कभी नहीं मिलती। आपके अगर आसपास कोई अगर एम्प्लॉई हो सर्विस सेक्टर में हो तो आप पूछ लेना। तो गवर्नमेंट ने कुछ रेट रखा हुआ है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई 10% 12% उसकी सैलरी में से काट लो। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 50,000 रुपीज की किसी की सैलरी है और मैं कहता हूं 12% गवर्नमेंट ने सपोज कहा डिडक्ट कर लो, तो 50,000 का 12% होता है 6,000, यानी उसका मालिक 6,000 तो काट लेगा और रिमेनिंग 44,000 एम्प्लॉय को देगा। अब सर वो 6,000 कहां गए, तो वो गवर्नमेंट कहती है मालिक जो है वो 6,000 हमारे पास आके जमा करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो एम्प्लॉयर है मालिक है वो 6,000 रुपए एम्प्लॉय से काटेगा, लेकिन हमारे पास जब जमा करेगा तो उसमें 6,000 अपने डालेगा, यानी काटेगा एम्प्लॉय के 6,000 और हमें आके जमा करेगा 12,000। अब बताओ ये 6 12 कैसे हो गया, 6,000 एम्प्लॉय के अपने हैं और 6,000 एम्प्लॉयर के हैं। एम्प्लॉयर के है मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम के अपनी पॉकेट से डिपॉजिट किए हैं। तो अब बच्चों को तो ना कंसंट्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती रही, तो मैं लिख लेता हूं, ये लीजिए ये था एम्प्लॉयर। अरे भाई सिलेक्ट हो जा भाई, नहीं मानता, लो जी लिखने को ही तैयार नहीं है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और इसकी सर्विस डिसाइड हुई 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, गवर्नमेंट ने कहा 6,000 रुपए प्रोविडेंट फंड के नाम के काट लो, तो एम्प्लॉयर ने 6,000 रुपीज अपने पास रखे और 44,000 एम्प्लॉई को दे दिए। अब गवर्नमेंट कहती है कि जब ये एम्प्लॉई 6,000 रुपए काटेगा तो आके हमारे पास इसमें 6,000 रुपए और लाके जमा कर देगा 12,000 रुपीज। तो एम्प्लॉय बहुत खुश होता है, कहता है यार मेरे कटे तो 6,000 लेकिन मेरे अकाउंट में जमा हुए 12,000, बहुत खुश होता है एम्प्लॉय ये पैसे कटवा के। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो 6,000 है इसे कहा जाता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक एग्जेम्प्ट होता है और जो बैलेंस पार्ट होता है वो टैक्सेबल होता है।
अब ये सैलरी चैप्टर में जाके बताएंगे कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है. अभी ये समझ लो कि वहां लिखा गया है कि जो बैलेंस टैक्सेबल होगा वो एम्प्लॉय को मिला नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास अभी चला गया है. उसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे एम्प्लॉय द्वारा डीम्ड टू बी रिसीव्ड मान लेंगे. तो क्या सर ऐसा ही लिखा था? मैंने कहा देख लेते हैं, क्या ऐसा ही लिखा था? यहां लिखा है कि एनुअल इंक्रीमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय इन द प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल. यानी 6000 अगर एम्प्लॉयर ने जमा किया है, अपना जमा किया है, ठीक है, जनरली जितना एम्प्लॉय का काटा जाता है उतना ही एम्प्लॉयर जमा कर देता है. यानी 6000 काटा तो 6 और 6 12 हो गया. इसमें जो 6000 एम्प्लॉयर का है, अगर उसमें से कुछ भी टैक्सेबल पार्ट है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर कुछ पार्ट है, उस टैक्सेबल पार्ट को हम बोलते हैं इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. और उसके रूल है कि अगर वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो टैक्सेबल है. सिमिलरली सर, ये जो हमारा मनी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता जा रहा है, इसका क्या होगा? तो इस मनी के ऊपर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट अगर 9.5% से एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल होता है. 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल होता है. और जो टैक्सेबल होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है. और एक होता है ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. फिर एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर से प्रोविडेंट फंड का पॉइंट आ गया. मतलब एम्प्लॉई पहले किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था जिसका प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज था, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज करा लिया. हां तो बस सुन लो, मैंने पहले ही कहा था कि इसका इस चैप्टर में ज्यादा रोल नहीं है. लेकिन नहीं सुनाऊंगा तो फिर बच्चा मुझे फोन लगाता है, डिस्टर्ब करता है कि सर आपने तो सेक्शन 7 बताया ही नहीं, ये तो बुक में दिया हुआ है. तो कोई बात नहीं, सुन लो. फिर तीसरा, गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है, नेशनल पेंशन स्कीम, जो अंडर सेक्शन 80CCD होती है. तो इसमें जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उसको रखा गया. यानी कि ये तीन पार्ट हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसके बारे में धीरे धीरे आप सैलरी चैप्टर में जाके समझ पाएंगे. तो इस चैप्टर में ये आ जाता है, लेकिन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट में हम इसे, एग्जामिनर हो या टीचर हो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, वो कहता है सैलरी में आने दो. तो इस चैप्टर में अभी आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल में आपको सेक्शन 7 अभी ज्यादा नहीं दिखेगा. सेक्शन 8 को छोड़ दीजिए, वो अब समझ लीजिए बेकार हो गया है. उसके बाद आता है सेक्शन 9, वो बताता है कि इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है. ये जो सेक्शन है बेटे, ये बहुत लेंदी है, तो मैं आपको पहले ब्रीफ में इसके बारे में बताता हूं, सो दैट मैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर जा सकूं. मेरी बात ध्यान से सुनना. तो ये हो जाता है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लिखा गया है कि फॉलोइंग इनकम्स शेल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. गवर्नमेंट कह रही है कि देखो हम ये जो इनकम बता रहे हैं इन्हें माना जाएगा कि ये आपने इंडिया में एक्रू कराई है, ठीक है. एक्रू का मतलब आप एक तरीके से ड्यू समझ लो, अराइज समझ लो, ठीक है. टेक्निकल वर्ड की डेफिनेशन में ना जाते हुए कंसेप्ट पर जाते हैं. अब गवर्नमेंट कहती है कि देखिए आजकल क्या हो गया है के लोग फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं वो भी इंडिया में बिजनेस करते हैं, और ऐसा भी होता है कि फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं वो फॉरेन में ही बिजनेस करते हैं, लेकिन उन बिजनेस के कुछ ना कुछ तार, कुछ ना कुछ कनेक्शन इंडिया के अंदर है. तो गवर्नमेंट कहती है आप विदेश में बैठे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, लेकिन आपका कोई कनेक्शन इंडिया में है. तो अगर आपका कोई कनेक्शन इंडिया में है, इंडिया की वजह से आप कमा रहे हैं, तो इंडिया की प्रोग्रेस में आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ इंडिया को टैक्स देना चाहिए. तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं आपको छोड़ कैसे दूं, इंटरनेशनल रूल्स हैं, सारे सेल्फिश हैं, चाइना चले जाइए, यूएस चले जाइए. वो भी कहते हैं कि भाई अगर हमारे कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज से कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो वो हमें टैक्स देगा. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिवर्सल रूल बना रखे हैं कि आप कौन, फॉरनर, बिजनेस कहां, फॉरन में, लेकिन अगर आपके कनेक्शन इंडिया में है तो भाई उस कनेक्शन से होने वाली इनकम को हम इंडिया में टैक्स करेंगे. कैसे टैक्स करोगे, वो लड़ने बैठ जाएगा आपसे, तो आप इसके लिए पहले लॉ बनाओ. तो हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया. देखिए क्या पहला पार्ट है जो थोड़ा सा लेंदी है, वो ये कहता है कि ऑल इनकम्स विच एक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. क्या आपका बिजनेस में कोई कनेक्शन है?
अच्छा सर, थोड़ी देर पहले हम एक वर्ड पढ़ रहे थे, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो अलग है और ये बिजनेस कनेक्शन है, ये अलग है। तो बिजनेस कनेक्शन को हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चा बीकॉम का कहता है कि सर जो बातें बहुत कम इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़ा सा बाद में बता दो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के वक्त बच्चा थोड़ा अवॉइड करना चाहता है। तो मैं बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया आपको बाद में समझाता हूं, ठीक है। ये बिजनेस कनेक्शन होता है जब किसी नॉन रेजिडेंट का कोई एजेंट इंडिया में है, या कोई स्टॉकिंग एजेंट है जो सामान स्टॉक करता है, या कोई इंडेंटिंग एजेंट है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ बाद में करने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट फिर से कहती है कि भाई हम इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ये सारा वही बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड पॉइंट नंबर वन चल रहा है, जो कि बहुत लंबा है, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर टू पर आते हैं। पॉइंट नंबर वन क्या था, जल्दबाजी में कहीं आपने छोड़ दिया, सर आपने समझाया नहीं, अरे हेडिंग तो बताई थी, कोई ऐसी इनकम जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुई हो फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिर्फ मैंने आपको अभी यह एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं है, यह हमने आपको नहीं बताया, ठीक है सर। तो एक बार हम बुक के पास भी खोल लेते हैं, वरना बच्चा कहेगा कि सर आपने इसको तो पढ़ाया ही नहीं। वैसे बच्चा ऐसी बात कहता नहीं है, कहता है कि सर ज्यादा बोलूंगा तो एक्स्ट्रा पढ़ाओगे, और हम तो शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं। लीजिए, ये सारा का सारा सेक्शन नंबर सिक्स चल रहा है, सिक्स के बाद में ये सेक्शन सेवन आ गया, और सेवन के अंदर ये जो तीन पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सेक्शन नंबर नाइन आता है। सेक्शन नंबर नाइन में ये जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये मैंने आपसे कहा कि इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पार्ट है, हर कोई इसको पढ़ना भी नहीं चाहता। इसके बाद के पार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट है, ये आपको काम में आएगा और आप आसानी से समझ भी सकते हैं। ऑल इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब ये सेक्शन 9(1) की कॉमन लैंग्वेज है कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकम हो रही है, समझिए, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई संपत्ति है, या ऐसा कोई एसेट है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है। तो यदि आपको कोई इनकम होती है किसी ऐसी प्रॉपर्टी से, किसी ऐसे एसेट से, किसी ऐसे सोर्स से जो इंडिया में है, तो वो इनकम कहलाएगी, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और वो इंडिया, वो गवर्नमेंट सभी से टैक्स लेगी उस पर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल में, कैसे, वो क्वेश्चन में आपसे लिखेगा कि एक नॉन रेजिडेंट है जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, मतलब इंडिया में एक प्रॉपर्टी है नॉन रेजिडेंट की, और वो प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट ने किराए पे दी और कमाया। तो अब बताइए, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो चाहे वो कमाई आप विदेश में बैठ के अपने दोस्त से कर रहे हो, चाहे उसके पैसे विदेश में ले रहे हो, हम उसे बोल देंगे इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है। सर ये फॉरनर लोग इंडिया की कंपनी में पैसा लगाते हैं और इंडियन कंपनी से इनको डिविडेंड मिलता है, या ये लोग इंडिया के इंडियन कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं तो इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो और उन पे आपको इनकम हो रही है, या आप इंडिया में किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दो और आपको उस पर इनकम आ रही है, तो भले आप नॉन रेजिडेंट हो, विदेश में बैठे हुए हो, ये जो इनकम है ये आपकी इंडिया के अंदर अर्नड मानी जाएगी, चाहे ये पैसे आप विदेश में प्राप्त कर रहे हो। मैंने बोला क्यों? क्योंकि लॉ कह रहा है कि हमने लिख दिया ना, या हमने लिख दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट या कोई सोर्स ऑफ इनकम भारत में है तो उससे मिलने वाली इनकम इंडियन इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आपको प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर आता है इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, ये तो कॉमन बात थी ना, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इंडिया, यानी कि जो प्रियंका चोपड़ा है अब वो नॉन रेजिडेंट बन गई है। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन्स से कहा कि भाई बॉम्बे में मेरा एक फ्लैट है,
सच है झूठ है नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से फिक्टिशियस है। तो प्रियंका चोपड़ा नॉन रेजिडेंट बन गई, उसने बोला कि भाई मेरा बॉम्बे में एक फ्लैट है। निक जोन्स ने कहा अच्छा तू बेच रही है, यू आर सेलिंग? उसने कहा हाँ पैसा चाहिए सेल करी। निक जोन्स ने कहा ओके मुझे दे दे। प्रियंका ने बोला है ऐसी दे दूं? निक जोन्स अरे तुझे पता नहीं हम कौन है, पैसा ले पैसा, कितनी वैल्यू है जल्दी बोल। प्रियंका ने बोला जी ऐसा है वो 25 करोड़ का है। ने बोला बस 25 करोड़, चल तेरे को 35 दिए। अब देखो इंडिया में एक प्रॉपर्टी एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को सेल कर रहा है, डीलिंग बाहर हो रही है, पैसे का लेन देन बाहर हो रहा है, सरकार को कैसे पता चलेगा? अरे भाई जब वो रजिस्ट्री कराएंगे कुछ कराएंगे तब पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है भले ये सारी बातें फॉरेन में हो रही है लेकिन वो प्रॉपर्टी इंडिया की है, इसलिए उसको बेचने से जो भी प्रॉफिट होगा वो इंडिया में अर्न माना जाएगा और इंडिया में टैक्स होगा भले डीलिंग विदेश में हो रही हो। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट बहुत इजी हैं और मुझे लगता है कि बच्चा इसमें कन्विंस भी होगा कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 9-1 का यहां तक का पार्ट था, खत्म हो गया। उसके बाद आता है कि अगर आपको सैलरी इनकम हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सैलरी इनकम इंडिया से हो रही है तो भाई इंडिया में ही टैक्स होगी। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आपको सैलरी मिल रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया यानी कोई एक फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, सोलर पैनल लगाने थे या मेट्रो बनानी थी या बुलेट ट्रेन बनानी थी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने अपने इंजीनियर को इंडिया में भेजा और वो इंडिया में काम करते रहे और फिर रिटायर होकर के अपनी कंट्री वापिस चले गए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वो अपनी सर्विस कहां देते थे? वो कह रहे मेरी पोस्टिंग जापान में थी। वो कह रहे छोड़ो, जापान में पोस्टिंग हुई थी, काम तो आके आपने इंडिया में किया ना, नौकरी कहां बजाई, सर्विस कहां दी, इंडिया में दी। तो आपको जो भी सैलरी मिलेंगी करंट में मिलेंगी या फ्यूचर में पेंशन मिलेगा जो भी मिलेगी वो इसीलिए मिलेगी क्योंकि आप सैलरी इंडिया सर्विस इंडिया में दे रहे थे, इसीलिए आपकी जो भी इनकम होगी भले फॉरन में कल को मिले, चाहे वो पेंशन के नाम से मिले चाहे सैलरी के नाम से मिले, वो इंडिया की इनकम मानते हुए हम टैक्स करेंगे। अच्छा, तो सैलरी है फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया या रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड विच इज प्रीसीडेड सक्सीडेड बाय सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, यानी आप रिटायरमेंट के बाद भी यदि कोई पैसा प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आपने सर्विस इंडिया में दी थी तो वो पैसा भले विदेशों में मिलता रहे तो आप कहेंगे जी ये तो मैंने रिटायरमेंट के बाद कमाया, रिटायरमेंट के बाद तो मैं विदेश में रहता था। गवर्नमेंट कह रही कि वो कमाया किस वजह से? सर्विस की वजह से। सर्विस कहां थी? इंडिया में, इसलिए वो इनकम इंडिया में डीम्ड मानी जाएगी। ओके, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो भारत सरकार ने इंडियन सिटीजन को राजदूत बना के एम्बेसडर बना के बाहर भेजा हुआ है तो वो भारत सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि वो आपकी जो इनकम है वो इंडिया में अर्न्ड मानी जाएगी, डीम्ड मान ली जाएगी। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडियन कंपनी में शेयर खरीदते हैं उस पर आपको डिविडेंड मिलता है क्योंकि कंपनी इंडिया की है तो इनकम भी इंडिया की मान ली जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है इंडिया की है तो कोई झगड़ा ही नहीं, अगर आपको लगता है वो इंडिया की नहीं है तो मान ली जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो इसकी बात प्रैक्टिकल में क्यों आएगी? उसके बाद ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने आपको सेक्शन 9 अभी उठाया है। वो 3 इनकम क्या है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। यानी 3 चीजों को मैंने आपके लिए कंबाइन कर दिया। अगर आप बुक में जाएंगे तो ये आपको 3 अलग से हेडिंग मिलेंगी। सर बुक तो सामने ही है, लो ये देखो, ये पॉइंट नंबर F जो बुक डिस्कस कर रहा है ये इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, पॉइंट नंबर G रॉयल्टी के रिगार्डिंग है और पॉइंट नंबर H फी फॉर टेक्निकल सर्विस के बारे में है। यही 3 पॉइंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए अच्छे से ध्यान रखने हैं वरना आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट कौन देता है? भाई इंटरेस्ट वो देता है जो मनी बोरो करता है। रॉयल्टी कौन देता है? जो नो हाउ किसी से लेता है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस कौन देता है? जो किसी से मदद ले रहा है, सर्विस ले रहा है वो देता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये देने वाला व्यक्ति हो सकता है भारत सरकार हो, यानी भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया ऐसा हो सकता है और उस पर भारत सरकार ने ब्याज दिया,
या भारत सरकार ने कहीं से नो हाउ मांगी कि भाई हम अपने यहां मेट्रो खुद बनाएंगे, आप हमें थोड़ा सा नो हाउ दे दीजिए, तो नो हाउ की टेक्निकल जो सर्विस है उसकी फी ले लो, या आप हमें कोई अपना पेटेंट दे दो उसकी हमसे रॉयल्टी ले लो, जो भी है। तो अगर इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज किसी फॉरेन व्यक्ति को दी जा रही है और देने वाला कौन है, गवर्नमेंट, तो ये इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। पहला पॉइंट, यानी इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस किसने दी, गवर्नमेंट ने। कुछ मत देखो, कह दो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और सभी को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो सर नॉन रेजिडेंट है, तो जितना भी उसने कमाया भारत सरकार कहेगी भैया इस पर टैक्स दे के जा। अब सर मान लो ये इंटरेस्ट रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस की पेमेंट करता है कोई रेजिडेंट व्यक्ति, मान लीजिए अनिल अंबानी कर रहा है। सर अनिल की बात मत करो, आजकल वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, दिक्कत हो जाएगी, आप मुकेश अंबानी की बात कर लो। मैंने कहा चलो, मान लो इंटरेस्ट रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस की फी कौन दे रहा है, मुकेश अंबानी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ऐसा हमेशा नहीं होगा। मतलब अब मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका सिंपल सा रूल ऐसा है, मान लीजिए ये इंडिया है, मुझे पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, नक्शा आप बढ़िया से ना समझ पाए। गवर्नमेंट कहती है ये है मिस्टर मुकेश अंबानी, मुकेश धीरू भाई अंबानी, या रिलायंस कंपनी है, और ये कोई नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट से कुछ डीलिंग हुई जिसकी वजह से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले इनको इंटरेस्ट, इनको रॉयल्टी या इनको फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये इंडिया में टैक्स होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये पैसा आपने किसी ऐसे बिजनेस के रिस्पेक्ट में दिया जो इंडिया में आप कर रहे हैं, तो ये इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। नहीं नहीं सर, वो मुकेश अंबानी ना एक प्रोजेक्ट अपना जो है ना वो वहां लगा रहे हैं, कहां, अफगानिस्तान में। मान लीजिए कि कोई बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट उनका अफगानिस्तान में चल रहा है, उसको फंड करने के लिए मुकेश अंबानी ने लोन लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रेजिडेंट व्यक्ति इंटरेस्ट दे, रॉयल्टी दे, फी दे, तो वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। लेकिन अगर ये पेमेंट वो किसी ऐसे बिजनेस के रिस्पेक्ट में दे रहा है जो फॉरेन कंट्री में है, तो इसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने दिया तो कुछ मत देखो, इंडियन इनकम मान लो, अगर रेजिडेंट ने दिया तो भी इंडियन इनकम मान लो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट कह रही है अगर वो प्रोजेक्ट जहां के लिए वो ब्याज या सर्विस जो भी रॉयल्टी दी जा रही है, अगर वो प्रोजेक्ट इंडिया से बाहर का है ना, फिर इसको हम इंडियन इनकम नहीं कहेंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरा, अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक नॉन रेजिडेंट है, ये दूसरा नॉन रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे रेजिडेंट को लोन दिया और इसने इसको इंटरेस्ट दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये जो पर्सन है इसने अगर इसका यूज बिजनेस प्रोफेशन के लिए या किसी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए लगाया, तो ये बताओ वो बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री में लगाया या वो बिजनेस कोई इंडिया में लगाया, ये बताओ। अगर ये बिजनेस या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में लगाया, तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो रही है, तो गवर्नमेंट कहेगी ये इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी। और हमारा इंटरेस्ट, हमारा रॉयल्टी और हमारा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीनों के रूल ऑलमोस्ट बल्कि सिमिलर है। तो आपने ध्यान रखना है किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, सिंपल, रेजिडेंट ने दिया, तो रेजिडेंट ने दिया तो फिर ये इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया है, लेकिन अगर वो बिजनेस बाहर का है तो छोड़ दो। तीसरा, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इंडिया में थी तो इंडियन इनकम मान लेना, फॉरेन की थी तो छोड़ देना। सर ये बड़ी कठिन बात हो गई। मैंने कर लो, इसमें कौन सी कठिनाई की बात है, ये देखो, ये जितना भी मैंने आपको बातें बताई, इन सारी बातों के लिए मैंने आपके लिए यहां पर एक समरी बना दी। देखिए, अगर आपको लगे कि सर बहुत ज्यादा बड़ी बातें आपने बता दी, तो आप इस समरी से अपनी जो भी अभी तक आपने सेक्शन 9 की बातें की हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो। क्या कहा,
सर कब हम कहते हैं इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, कब कहते हैं? सारी बातें यहां लिखी हुई है, देखो। तो मैं रिवीजन में पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं लास्ट वाला पॉइंट जिसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट की पेमेंट थी, रॉयल्टी की पेमेंट थी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस थी। इफ पेबल बाय, देने वाला कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देने वाला कौन था? रेजिडेंट, तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, अगर इस मनी का यूज इंडिया से बाहर हो रहा है किसी बिजनेस करने में या किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम को अर्न करने में तो छोड़ देना। तीसरा, इनकी पेमेंट कर रहा है कोई नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, तो क्या सर इसे इंडियन इनकम मान लोगे? अरे नहीं भाई, ना जाने कितने विदेशी दूसरे विदेशी को ये सब देते हैं, हम तो केवल एक ही केस में इंडियन इनकम मान रहे हैं कि अगर उसका पैसा इंडिया के किसी बिजनेस में या इंडिया की किसी इनकम अर्निंग में यूज हुआ हो। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी तो छोटी छोटी बातें हैं कि इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है इंडिया से बाहर, तो ये वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो आपकी इनकम में ही नहीं आएगा, तो फिर इसकी बात क्या करनी। सैलरी अगर आपने सर्विस इंडिया में दी थी उसकी वजह से आपको मिल रही है तो ये इंडियन इनकम मानी जाएगी, चाहे कहीं भी आपको मिल रही हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन सिटीजन को बाहर काम करने की वजह से सैलरी दिया है तो ये इंडियन इनकम है। तो सैलरी के दो पॉइंट याद रखना। अगर आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी थी उसको विदेश में डील किया है तो वो इनकम इंडियन इनकम है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में थी उसको आप रेंट पे दे रहे हो, एक विदेशी दूसरे विदेशी को दे रहा है, तो वो इंडियन इनकम है। यानी कि पूरे के पूरे पार्ट के अंदर मैंने सेक्शन 9 पूरा पढ़ा दिया, सिर्फ एक उसका पार्ट छोड़ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। एक इस पार्ट को छोड़ के मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब मुझे लगता है कि आप इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो आप कर पाएंगे। हालांकि हमने बिजनेस कनेक्शन के सारे पॉइंट लिख लिए हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो सर इसका प्रैक्टिकल करते हैं, आइए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। अब वापिस आते हैं। सर प्रैक्टिकल करते हुए मुझे यह समझना पड़ेगा कि जिस इनकम की मैं बात कर रहा हूं क्या वो इंडियन इनकम है। इसको समझने में एक कठिनाई थी सेक्शन 9 की, जो कि मैंने आपको बता दी, जिसके मोटे मोटे दो तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उसकी इनकम इंडियन होती है, अगर कोई सर्विस इंडिया में है तो उसकी सैलरी इंडिया इंडियन इनकम होती है, और अगर इंटरेस्ट रॉयल्टी फी की बातें हैं उनके पैसा बिजनेस में इंडिया में यूज हो रहा है तो वो इंडियन इनकम होती है, ठीक है। सर इंडियन इनकम होगी तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, वेरी गुड। फॉरेन इनकम होगी तो आपने समझना है कि फॉरेन इनकम आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है, एनआर के लिए नॉन टैक्सेबल होती है। और एनओआर के लिए आपको बस याद रखना है कि फॉरेन इनकम का रूल यह है कि अगर वो बिजनेस से है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो टैक्सेबल होगी, प्रोफेशनल ऑफ इंडिया तो टैक्सेबल होगी, किसी अदर सोर्स से है तो टैक्सेबल नहीं होगी। हर क्वेश्चन में मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एक अलग बात है, बिजनेस कनेक्शन एक अलग बात है, और एग्जाम के क्वेश्चन में वो बता देगा कि मैं बिजनेस कंट्रोल की बात कर रहा हूं या बिजनेस कनेक्शन की बात कर रहा हूं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। तो आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और मैं बुक के कुछ सॉल्व इलस्ट्रेशंस को आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। ये चार्ट हमने आपको बता दिया है, इसके पॉइंट्स भी हमने आपको बता दिए हैं, उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस आपकी स्टार्ट होती हैं ये हम होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, और हम चल रहे हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ जहां से मैं आपको समझा पाऊं और बाद में आप इन सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस को अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो बुक में है उसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन थोड़े से ना लेंथी होते हैं तो आपका फोकस समझने पे लगे, इसीलिए मैंने इनको पहले से अपने पास नोट कर लिया। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्लीज एग्जाम में करते हुए इस तरीके से लिख लेना। मुझे पता है प्रैक्टिस में आप लिखने वाले नहीं हो, प्रैक्टिस में तो आप शॉर्टकट लगाते हो, एग्जाम में थोड़ा समय लगा के लिखना जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। सर पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स अर्नड बाय मिस्टर राजेश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 डिटरमिन हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 इफ ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो मैंने इसको प्रेजेंट कैसे करना होता है, ऐसे ही प्रेजेंट करना होता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हम आर ओ आर, एनओ आर और एनआर ऐसे लिख लेते हैं,
ठीक है। अब आपने क्या पहचानना है, सबसे पहले तो आपने यह सोचना है क्या यह इनकम इंडियन इनकम है, अगर है तो तीनों टैक्स देंगे। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे, अब नाम मुंबई हो गया है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज्ड फ्रॉम लंडन, तो ये मैनेज्ड फ्रॉम लंडन मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने इसको एज इट इज यहां पर उतारा, सॉरी ए पार्ट। बिजनेस बॉम्बे में है यानी बिजनेस इंडिया में है, क्या कहते हो ये इनकम कौन सी है, इंडियन हो गई। कुछ और आगे देखने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता। तो सर ये इनकम तो तीनों को टैक्स हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, यानी कि इसको 160,000 इसको भी टैक्स लगेगा, अगर स्टेटस ये है तो भी टैक्स होगा और ये तो भी टैक्स होगा। सर सर आपने रूल क्या लगाया, बेटे रूल ये लगाया कि अगर इनकम इंडियन इनकम है तो भाई तीनों को टैक्स होगी, बस सिर्फ यही रूल लगाया और कोई रूल नहीं लगाया। अब लिखता है कि सेकंड पॉइंट, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन बर्मा। सर अभी हम पढ़ के आए थे कि ये पेंशन हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया है, तो अगर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया है तो क्या कहते हो, इनकम सेक्शन 9 की वजह से डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया हो गई। सर ये इनकम इंडियन इनकम हो गई, अब क्या करूं ये देख के कि आपने बर्मा में रिसीव की कि वर्मा में रिसीव की, छोड़ो परे, इनकम इंडियन हो गई, टैक्सेबल तीनों को हो जाएगी, तो 15,000 रुपए मुझे ऐसा लगता है कि तीनों के केस में टैक्सेबल होंगे। सर अगर हमें नहीं लगता तो इसका मतलब अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा सर मजाक कर रहे हो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड, विदेशी सरकार के बॉन्ड खरीदे हैं, ओके, उसका इंटरेस्ट है, हाफ ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, यानी 4,000 रुपए की कुल इंटरेस्ट इनकम है जिसमें से आधी इंडिया में रिसीव हो गई, तो भाई जो आधी आपने इंडिया में रिसीव कर ली 2,000 रुपए, ये तो इंडियन इनकम हो गई, बोलो 2,000 रुपए इंडियन इनकम हो गई, हाँ सर, तो जो इंडियन इनकम हो गई जैसे ही पता लगी तो मैं उसे तीनों में ऐसे इनकम दिखा दूंगा, ओके, बाकी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि सर विदेशी गवर्नमेंट के ये बॉन्ड थे, विदेशी गवर्नमेंट ने इस पे इंटरेस्ट दिया और ये पैसे भी बाहर प्राप्त हुए, मुझे लगता है ये फॉरेन इनकम है, हाँ ये फॉरेन इनकम है। जब फॉरेन इनकम की बात आएगी, ध्यान से सुन लो, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई आरओआर के लिए तो टैक्सेबल, एनआर के लिए एग्जेम्प्ट, यहां टैक्सेबल नहीं है, हाँ एनओआर के लिए मुझे चेक करना पड़ता है, फॉरेन इनकम एनओआर के लिए टैक्सेबल हो सकती थी अगर ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होती या प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया होती। सर ये इन दोनों में से नहीं है, ये तो अदर सोर्स की इनकम है, तो अदर सोर्स की होने की वजह से भारत सरकार इस पर टैक्स नहीं ले पाएगी। और यही वाले पॉइंट आपको समझने हैं, अभी रिपीट होंगे, घबराने की बात नहीं, वो कहेंगे कि आधा अमाउंट इंडिया में रिसीव किया तो जो आधा रिसीव किया वो इंडियन इनकम हो गया, सिंपल हो गया, जो फॉरेन वाला था उस पर आपने वो वाला रूल लगाना है जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। सर अगला बताओ आप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ओहो सर ये तो सानिया मिर्जा की बात कर रहा है, अच्छा प्रॉपर्टी खरीद ली पाकिस्तान में, ओहो उसका किराया वहीं मिला, अब बताओ सोर्स विदेश में है, किराया विदेश में ले रहे हो, मुझे लगता है ये फॉरेन इनकम की बात है, हाँ सर ये फॉरेन इनकम की बात है। फॉरेन इनकम का रूल दोबारा याद कीजिए, सर फॉरेन इनकम का रूल आपने बताया था कि आर ओ आर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए नॉट टैक्सेबल है, और एनओआर के लिए अगर ये बिजनेस इनकम होती, प्रोफेशनल इनकम होती तो टैक्सेबल हो जाती ना, हाँ सर ये इसके लिए एग्जेम्प्ट है, ओके। नेक्स्ट आता है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जब ये चार्ट हमने आपको बताया था, यहां बताया था शायद, हाँ ये चार्ट जब हमने आपको बताया था तो हमने कहा था कि आपने एग्जेम्प्ट इनकम्स नहीं लेनी, और हमने कहा था कि इनकम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर वाली लेनी है, अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पुराने वर्षों की अनटैक्स्ड इनकम दे दे तो आप उसे ठेंगा दिखा देना, भाई इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, हम प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हैं और इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये जो 7,000 की इनकम है ये प्रीवियस ईयर को रिलेट नहीं कर रही जिसकी मैं इनकम निकाल रहा हूं, इसलिए इसको छोड़ दो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल, पहली बात, अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया होती तो एग्जेम्प्ट हो जाती,
और एग्जेम्प्ट इनकम को हम टेबल में नहीं दिखाते सर, लेकिन ये एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में है तो ये टैक्सेबल है। ओके, रिसीव्ड देयर यानी नेपाल में ही आपने इसको रिसीव किया, ठीक है, यानी ये विदेशी फॉरेन इनकम बन गई। एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, मतलब इनकम प्राप्त करने के बाद में आप इंडिया में ले आए। ये जो बाद वाला पार्ट होता है ये हमारे किसी काम का नहीं होता, हमने आपको रिसिप्ट और रेमिटेंस बताया था। रिसिप्ट का मतलब होता है जब ये पहली बार आपको मिली, उसके बाद आप इसे कहां ले गए हमें कोई मतलब नहीं है। तो देन ब्रॉट टू इंडिया हमारे किसी काम की नहीं है। तो सर ये तो फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम का रूल बड़ा साफ होता है कि भाई पहला वाला आर ओ आर, इसको तो हम कर देते हैं टैक्सेबल और इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है सर। अब एनओआर की बात करते हैं। तो सर क्या एग्रीकल्चरल इनकम एक व्यापार है? यस, वो व्यापार है। तो सर एनओआर ने ये इनकम व्यापार से कमाई, लेकिन वो जो एग्रीकल्चरल इनकम है लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, क्या उसका कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है? सर ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब है उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है, उसका कंट्रोल भी नेपाल में ही है। यानी सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं देखनी, यह भी देखनी है कि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होनी चाहिए, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होनी चाहिए। तो क्या लगता है सर? अब हमें लगता है कि जी ये तो यहां पर टैक्सेबल नहीं बनेगी, छोड़ दो। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया, लो ये वो विदेशी इनकम है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो फॉरेन इनकम है जो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वाली है। तो बताओ इसके लिए ट्रीटमेंट आप बताओ क्या करोगे? सर पहले तो हम रूल लगाएंगे कि जी फॉरेन इनकम है 12,000 रुपए की, आरओआर के लिए टैक्सेबल है, एनओआर के लिए नहीं है। एनओआर के केस में क्योंकि ये प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है इसीलिए ये टैक्सेबल है। तो मुझे लगता है कि आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अरे सर हमें पूरी समझ में आ गई, बस अब प्रैक्टिस करनी है और क्या। तो बस होमवर्क दे दो सारे, रुको भाई आंसर तो देख लें। 1,60,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 और प्लस 12,000, बस ये हो गया 2,41,000। ये हमारी पहली इनकम, अगर इसका स्टेटस आर ओ आर है तो इनकम बन गई 2,41,000। अगर उसका स्टेटस एनओ आर है तो 12,000 प्लस 1,60,000 और प्लस 15,000 और प्लस 2,000, ये हो गया 1,89,000। 1,89,000, ओके। थर्ड केस में बन जाएगी 1,77,000। तीन इनकम ऊपर की थी। बोलिए कुछ कुछ बात समझ में आई है? सर अगर कुछ कुछ बात समझ में आई है तो यही समझ में आई है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई ऐसा पॉइंट आया ही नहीं कि हमारा मकान इंडिया में था या हमने इंडिया में कोई हाउस बेचा या कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस, कुछ भी नहीं आया। बेकार में आपने हमारा दिमाग सेक्शन 9 के लिए गर्म किया। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो अभी सफिशियंट नहीं है, मुझे और आगे चलना होगा। ना ना, गिरीश आहूजा जी कह रहे कोई बात नहीं भैया, मैं पहले धीरे धीरे बच्चों को समझाता हूं, एक ही बार थोड़ी सारी चीज डाल देंगे। अच्छा, तो यानी अगला क्वेश्चन देखना होगा लगता तो है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग्स मैंने कॉपी कर ली टाइम सेव करने के लिए, मुझे लगता है हमारे बच्चे इस बात पे नाराज नहीं होंगे। क्या सर आप बच्चे बच्चे करते रहते हो, आपसे भी बड़े हम। हाँ तो देखो भाई फिर तो अपने आप समझ लोगे। सर हम करके दिखाएंगे। अरे तो कीजिए, वीडियो रोक के कीजिए, वेरी वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी, लो इंटरेस्ट दे रही है इंडियन कंपनी, तो सर ये इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल है, बताओ तीनों को टैक्सेबल है। तो इस तरीके से आपने बातों को कनेक्ट करना है कि इंडियन इनकम है तीनों के लिए टैक्सेबल है। नोट कर लेना मेरी बात, इंडियन इनकम है तीनों के लिए टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम है रूल ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है, जब ये तीन पॉइंट पकड़ लिए तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल परफेक्टली करोगे। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, तो पेंशन मिल रही है आपके एम्प्लॉयर से जो इंडिया में है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि आपने सर्विस इंडिया में ही दी होंगी। हाँ तभी तो भाई ये मिल रही है आपको, तो सर ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इंडिया, तो ये फॉर्मर एम्प्लॉयर इंडिया का है,
इसलिए ये इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल है। प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, वाह पेरिस शहर में व्यापार है, विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, ओके पॉइंट थोड़ा टेक्निकल हो गया, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया मुझे कुछ याद आ रहा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, ओहो उसमें हाफ वाला पॉइंट भी डाल दिया आराम से, जब हाफ वाला पॉइंट दिख जाए ना हाफ रिसीव्ड इन इंडिया तो मैं पहले इसको ऐसे हाफ कर देता हूं, ये हो गया पहला हाफ रिसीव्ड इन इंडिया 20,000 और बाकी के हाफ फॉरेन इनकम, जब मैंने हाफ रिसीव्ड इन इंडिया लिख दिया तो ये 20,000 क्या हो गई इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम मिलते ही पहले इसे तीनों में आप टैक्स कर दो, ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं, अब इस रिसीव्ड इन इंडिया वाले को भूल के पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी ये फॉरेन इनकम की बात कर रहा है। फॉरेन इनकम का रूल होता है कि फॉरेन इनकम आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है, एनआर के लिए नहीं होती। एनओआर के लिए टैक्सेबल होती है अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो जाए, और सर ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है इसीलिए इसको यहां लिखेंगे, यानी कि बेटे ये वो पॉइंट है जो कि आपको गलती करवा सकता है, पहली बार 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 नहीं, बार बार तो आप मेरे से भी ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, चलो जी पहले नेपाल में था भूटान में चला गया तो सर ये तो फॉरेन इनकम है। रेमिटेड टू इंडिया, ये जो रेमिटेड टू इंडिया ये मेरे किसी काम की नहीं होती, मेरे काम की होती है रिसिप्ट ना कि रेमिटेंस, तुम एग्जाम में ऐसे काट मत देना, मैंने बस बताया ये मेरे काम का नहीं था। अच्छा तो सर ये फॉरेन इनकम है 10,000 रुपए की, फॉरेन इनकम का रूल अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां टैक्सेबल यहां छोड़ देंगे, और यहां क्योंकि नहीं लिखा कि ये इंडिया से कंट्रोल हो रही है इसलिए यहां भी टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, तो सर ये भी फॉरेन इनकम हो गई, बिल्कुल ये भी फॉरेन इनकम हो गई, तो फॉरेन इनकम हो गई तो सर ये आरओआर को तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, आरओआर को टैक्स करेंगे, इसको नहीं करेंगे, और क्योंकि ये अदर सोर्स की है तो इसको भी टैक्स नहीं करेंगे। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, पास्ट मतलब ये प्रीवियस ईयर से पहले की है जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, तो सर ये तो खत्म हो गया। अब बच्चा कह रहा है सर इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं आप बेकार की बातें हमारे साथ कर रहे हो, कहीं पर भी इंटरेस्ट रॉयल्टी कुछ नहीं आया, अब मैं क्या करूं नहीं आया तो। ये पहले केस में 2,66,000 बन रहा है, दूसरे केस में 2,48,000 बन रहा है, और तीसरे केस में 2,28,000 बन रहा है, ठीक है। अच्छा मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करने बैठ जाना, बेटे इनकम टैक्स में अनसॉल्व क्वेश्चंस बिल्कुल मत करना, सॉल्व क्वेश्चन करना, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं क्यों करा रहा हूं अनसॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि मैं सॉल्व इलस्ट्रेशंस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है इलस्ट्रेशन जरूर आप पढ़ लोगे, क्योंकि आंसर रहता है, बच्चा घबराता नहीं है, ठीक है सर। लेकिन बच्चा मायूस है, वो कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने वो पॉइंट नहीं पढ़े जो आप हमें 9 के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा फिर एक और क्वेश्चन कोई लेते हैं और क्या करें। आहुजा जी भी कह रहे हैं हम धीरे धीरे बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ना ना कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ आर व्हेन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज आरओआर, एनओआर और एनआर, यानी टोन क्वेश्चन की लगभग वही है, टोन तो क्वेश्चन की वही है। अब ये देखते हैं कि ये हमसे हो पाता है या नहीं हो पाता है, बस मैंने केवल आपका टाइम सेव करने के लिए इसको यहां पर लिख के रख लिया है, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा आप मेरी मदद करेंगे, सर हम ही तो आपकी मदद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो, वैसे भाई आजकल के बच्चे जो है ना भगवान बचाए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहां का है, इंडियन कंपनी का है, ओहो इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर इंडियन कंपनी का है, तो भाई ये हो गई इंडियन इनकम। रिसीव्ड कहां की हमने, तो सर रिसीव तो हमने लंदन में की, तो कहीं मर्जी आप रिसीव करो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये इनकम इंडियन इनकम हो गई, क्यों शेयर डिबेंचर अगर इंडियन कंपनी के हैं, फिक्स डिपॉजिट अगर इंडिया में है तो ये इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल है, तीनों को टैक्स कर दो जी, 5,000 5,000 5,000।
इतना आसान। इंटरेस्ट ऑन अ कंपनी डिपॉजिट इन इंडिया, ओहो फिर से सर वही बात हो गई, कंपनी इंडियन कंपनी में आपने डिपॉजिट किया है तो ये तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट ये तीनों को टैक्सेबल होगा। आपके स्टेटस से हमें कोई मतलब नहीं, इनकम इंडियन हो गई। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया। अब सर 50% जब भी पॉइंट में लिखा हो, कितने भी पॉइंट हो, लिखा हो रिसीव्ड इन इंडिया, तो सर इसको आधा 20,000 यहां अलग कर दो और 20,000 यहां अलग कर दो। और ये जो 50% रिसीव्ड इन इंडिया है, इसकी वजह से ये तो सर तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। बाकी जो 50% इनकम है ये बन जाएगी फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम का रूल होता है कि आर ओ आर को हमेशा टैक्सेबल इसको छोड़ देंगे, और ये क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वगैरह नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन, तो सर ये भी फॉरेन कंपनी फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम के रूल हमें पता है, इसको टैक्स कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, और ये अदर सोर्स की वजह से नहीं करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, प्लांट तो जर्मनी का है भाई, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ओके इसे आपने दिल्ली में कंट्रोल कर रखा है, 50% इज रिसीव्ड, नहीं 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर पहले तो 40,000 के लिए हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये तो सर तीनों को टैक्सेबल कर दो आप, 40, 40 एंड 40। बाकी जो रिमेनिंग बच गई 30, ये हो गई सर हमारी फॉरेन इनकम, यहां पर ये टैक्स हो जाएगी, यहां पर नहीं होगी। और ये जो प्लांट आपका जर्मनी में है तो ये बिजनेस की बात है, और ये बिजनेस आपका लिखा हुआ है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, तो कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली की वजह से ये यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तो बिजनेस इन दिल्ली तो बिजनेस इनकम इंडियन हो गई, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी, विदाउट एनी डाउट टैक्सेबल हो जाएगी 45,000। ये हमने कुछ छोड़ दिया का? ओहो यहां पर तो सर आपने गलती कर डाली, ये पॉइंट अलग था और वो पॉइंट अलग था, आई एम सॉरी, ये पॉइंट तो अलग था, वही तो सर आपको बता रहे थे, सुनते ही नहीं हो। ओके अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया, ये कितना अमाउंट था, ये 60,000, ये 60,000 था, तो सर ये 30 और ये 30, तो सर पहले ही जो 30 है ये 30 तो आप तीनों में टैक्सेबल करो। अच्छा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट जर्मनी में है, 50% अमाउंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अब पोजीशन थोड़ी बदल गई, अब पोजीशन ये हो गई कि भाई आरओआर के लिए टैक्सेबल, एनआर के लिए नहीं होगा, और क्योंकि ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है इसलिए इसके लिए भी यहां पर ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो इसके मैं दो पार्ट करूंगा 40 और 30। तो सर 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 40,000 सर तीनों के लिए टैक्सेबल है, रिमेनिंग 30,000 आरओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए नहीं है, और ये कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली होने की वजह से इसके लिए टैक्सेबल है। पॉइंट इज के मुझे लगता है कि आप मेरी बात सीख पा रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स में जहां पर वो बार बार लिखेगा आधा इंडिया में मिला आधा बाहर मिला कंट्रोल्ड था, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तो बिजनेस इन दिल्ली मैनेज फ्रॉम लंडन, मैनेज कहीं से भी करो भाई आप, ये आपकी इनकम इंडियन इनकम है और ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। फिर लिखा है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन इंडियन बैंक एट लंडन ब्रॉड टू इंडिया, तो ब्रॉड टू इंडिया से मुझे कोई मतलब नहीं, ब्रॉड टू इंडिया मतलब ये रेमिटेंस की बात हो रही है, तो ये फॉरेन इनकम है, प्रॉपर्टी लंडन में है, रिसीव्ड भी लंडन में की है, लंडन में कौन से बैंक की ब्रांच है मुझे क्या मतलब, तो फॉरेन इनकम है ये, यहां टैक्सेबल होगी, यहां नहीं होगी, और ये अदर सोर्स की वजह से यहां भी नहीं होगी। उसके बाद लिखा है
इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन ऑन मनी लेंट टू रेजिडेंट इन इंडिया। ये आ गया पॉइंट, ध्यान सुनिएगा। इंटरेस्ट कौन दे रहा है? रेजिडेंट दे रहा है। इंटरेस्ट जब रेजिडेंट देगा तो ये इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया बन जाएगी। लेकिन एक अपवाद था, अगर ये पैसा इंडिया से बाहर यूज होगा तो नहीं बनेगी। बट सेम मनी वॉज यूज इन इंडिया, यानी ये तो इंडिया में यूज हुआ है। क्या कहते हो, इंडियन है या फॉरेन है? इंडियन इनकम है ये, और इंडियन इनकम होने की वजह से ये तीनों में टैक्सेबल होगी। अगर ये यहां पर लिखता कि बट मनी वॉज यूज इन ऑस्ट्रेलिया तो ये इंडियन इनकम नहीं बनती, फिर ये फॉरेन इनकम बन जाती, क्योंकि मनी का यूज इंडिया में हुआ है इसीलिए ये बन गई इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, और फिर ये बन गई इंडियन इनकम, इसलिए तीनों को टैक्सेबल हो गई। ओके, नाउ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसके भी रूल सर सेम थे। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो यार ये इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम हो गई, तीनों को टैक्स हो गई। जब फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में दी गई उसकी फीस है, तो ये इंडियन इनकम बनके तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव्ड इन लंदन फॉर राइट गिवन टू नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट ने रॉयल्टी दी है तो मुझे चेक करना है क्या ये रॉयल्टी बिजनेस या कोई सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में था। टू बी यूज फॉर बिजनेस इंडिया, यस, तो सर ये इंडियन इनकम बन गई, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी। इसको सर टोटल कर लेते हैं एक बार, 5,000, 22,000, 40,000, 10,000, 30,000, 60,000, plus 70,000, plus 45,000, 5,000, 46,000, 25,000 and 34,000। ये आता है हमारे पास 3,62,000, 3,62,000। हमारी बुक में तो आंसर आ रहा है 4,07,000, तो हमने कहीं कुछ छोड़ दिया क्या, कुछ मिस्टेक हुई क्या हमसे? सर दोबारा एक बार टोटल करो, 5,000, 22,000, 40,000, 10,000, 60,000, 70,000, 45,000, 55,000, 56,000, 25,000, 56,000, 25,000, 56,000, 25,000 और 34,000, 4,07,000, टोटलिंग मिस्टेक है कुछ, 4,07,000। ओके, केस नंबर टू, केस नंबर टू हो गया 5,000, 22,000, 20,000, 30,000, 70,000, 45,000, 46,000, plus 25,000 or plus 34,000, 297। ठीक है, और थर्ड वाले को मैं यहां से देख के लिख रहा हूं 267, उम्मीद करता हूं ये सही आ जाएगी। ठीक है, तो बेटे हमने ये बात आपको बता दी। अगली क्लास में हमें छोटे से 10-15 मिनट की जरूरत पड़ेगी आपको ये समझाने में कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया किसे बोलते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको बता देंगे। बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए तो वैसे ही जरूरी नहीं होता, ऑनर्स वाले बच्चे भी, क्योंकि वो थ्योरी में आता नहीं है, छोड़ देते हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा, या कोई प्रोफेशनल एग्जाम का स्टूडेंट हो उसका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बता दूंगा। अब आपने करना क्या है कि जितने भी आपकी बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, ये देखने के लिए कि आपको ये टेबल बनाना आया है या नहीं आया। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।